हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ ए डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 to the power 3 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के एक कॉलम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया है, विच इज 5.55 इंटू 10 to the power 3 ओम। उसका डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर, एंड हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है द कंडक्टिविटी ऑफ द कॉलम। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उनका कितना कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, उसी को ही कहा जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नाउ यहाँ पे कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें उसके रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना होगा। रेजिस्टिविटी ये क्या होता है? ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। यहाँ पे जैसे कॉलम लिया गया है ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। इसको रो से सिंबलाइज किया जाता है एंड इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। सो यहाँ पे रो ये रेजिस्टिविटी को सिंबलाइज करते हैं, आर क्या होता है ये रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करते हैं, ए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एल इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है डायमीटर ऑफ द कॉलम। सो डी दिया गया है 1 सेंटीमीटर, सो आर कितना होगा? ये उसका हाफ हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, एंड ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर कितना है 0.5 इसका होल स्क्वायर। सो ए का जो वैल्यू आएगा इट इज अराउंड 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे द फॉर्म्यूला रो इज इक्वल टू आर, यहाँ पे दिया गया है आर का वैल्यू है दैट इज रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू दिया गया है 5.55 इंटू 10 to the power 3 ओम एंड लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सो 5.55 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.785 डिवाइडेड बाई 50 एंड इनको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकलता है इट इज 87.135 ओम सेंटीमीटर। सो ये हमारा रेजिस्टिविटी का वैल्यू है। नाउ हम कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालेंगे। कंडक्टिविटी ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी को सिंबलाइज किया जाता है के साथ, तो यहाँ पे के का जो वैल्यू होगा इट इज 1/87.135 एंड इसका वैल्यू आएगा 0.01148 ओम पर ओम पर सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इन द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।